समय ऐसा हुआ करता था जब छात्र और छात्रों को शिक्षक पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कॉलेज में समय से छात्र छात्रा पहुंच जाए और शिक्षक लेट लतीफ पहुंचे तो गेट पर शिक्षक को ताला बंद मिले? नहीं ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर खगौल से है। खगौल के जगत नारायण लाल कॉलेज में उस वक्त एक अलग नज़ारा देखने को मिला जब शिक्षिका महोदया गेट के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ गई। आखिर मैडम ने ऐसा क्यों किया, आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कॉलेज के छात्र छात्रा अपने समय पर कॉलेज पहुंचकर क्लास करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षिका हमेशा लेट लतीफ पहुंचती है। ये एक दिन की बात नहीं है, अक्सर यहाँ की शिक्षिका कॉलेज में लेट लतीफ ही पहुँचा करती है। लेकिन सब्र की बांध टूटी और छात्र छात्राओं ने जैसे ही मैडम को आते देखा वैसे ही सभी गेटों में ताला जड़ दिया गया। फिर क्या था, मैडम का ड्रामा शुरू हो गया और शिक्षिका महोदया कॉलेज के गेट के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ गई। जब पत्रकारों ने मैडम से बातचीत करने की कोशिश की तो मैडम ने सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल की आने की बात कहकर बचती दिखी। अब आप सोचिए, भला छात्र शिक्षक को पनिशमेंट देने लगे तो ऐसे में शिक्षकों की मान मर्यादा क्या रह जाएगी, जबकि हमारे राज्य की सरकार सबसे अधिक पैसा शिक्षा पर खर्च करती है। बावजूद उसके कुछ शिक्षक अपने कर्तव्य को भूलकर लेट लतीफ स्कूल और कॉलेजों में पहुंचते हैं। और आगे क्या कुछ है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे मैम आप बताइए, आप क्यों यहाँ पे चेयर लगा के बैठी हैं? मैम आपको जवाब देना पड़ेगा मैम इसका। अगर आप यहाँ पे चेयर लगा के बैठी है, एक इस कॉलेज की आप प्रोफेसर है मैम, तो आपको जवाब देना पड़ेगा मैम। इंतजार कीजिए, प्रिंसिपल आ रहे हैं। जवाब चाहिए ना, सर से मैं पूछूंगा। इंतजार कीजिए, प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो मैम आप यहाँ पे चेयर लगा के क्यों बैठी है, किस कारण, मतलब आप कुछ बताइए मैम इसका, कुछ तो कारण होगा। कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चे यहाँ 10 बजे पहुँच जाते हैं और टीचर्स और यहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो 12 बजे आते हैं। बच्चे यहाँ दूर दूर से चले आते हैं और उन लोग को 4 दिन दौड़ाया जाता है। टीचर्स यहाँ एसी में बैठने के लिए आते हैं मगर पढ़ाने के लिए नहीं। तो यहाँ क्लास है कि इन्हें सैलरी क्यों मिल रही है, पढ़ाने के लिए ना, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? तो आपके कहने का मतलब है यहाँ पे क्लास 10 बजे से है, 10 बजे से कॉलेज है, हम 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, बच्चे 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, ये 11 बजे आ रही है, 10:30 बजे आ रही है, तो इनको सिर्फ जवाब नहीं चाहिए ना। प्रिंसिपल आएंगे बोलेंगे कि हाँ यही टाइमिंग है कॉलेज का, तो इनको आने देंगे, अदरवाइज हम इनको एंट्री देंगे। तो कॉलेज का टाइमिंग कितने बजे से? 10 बजे से। आज एग्जाम भी है, एग्जाम में ये कंट्रोलर के रूप में है। किस चीज़ का एग्जाम है आप? आज 11 सेंटर का एग्जाम। 11 सेंटर का एग्जाम और ये कंट्रोलर के रूप में है ये मैम जो है। हाँ, जी जो चेयर लगा के बैठी है। जी जी, कंट्रोलर ही लेट आएंगी एग्जाम कैसे होगा? कंट्रोलर जब लेट आएंगी क्वेश्चन बंटवाया जा रहा है और बच्चों से कॉपी और क्वेश्चन बंटवाया जा रहा है। ना यहाँ के स्टाफ ना यहाँ के टीचर समय से आते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है तो दिक्कत हम फिर सबको देंगे। जवाब तो बनता है लेना, जवाब वो तो आपको दे नहीं रही, आपके कैमरा से भाग रही हैं। तो आप जवाब के लिए यहाँ पे गेट बंद किए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको जवाब दे कि ये कब आएंगे, कितने बजे से कॉलेज का टाइम है, हम ही को बता दें, हम ही उसी समय से आएंगे। बोल दें कि 11 बजे से कॉलेज है तो बच्चे 11 बजे से आएंगे। और समस्या सामने आ रही है कि यहाँ पे 10 बजे से कॉलेज है और यहाँ के प्रोफेसर शिक्षक लोग 10:30, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे ऐसे आते, मतलब जब जिनका जैसे मन किया आ जाते हैं। क्लासेस सर कॉलेज कितने बजे से टाइम से क्लासेस का टाइमिंग अलॉटेड रहता है टीचर्स का, वो कॉलेज तो स्टार्ट हो जाता है 10:30 बजे 11 बजे से, 10:30 से स्टार्ट होता है ऑफिस, 11 से क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। और टीचर जो भी आते हैं वो कम से कम 5 घंटा महाविद्यालय में उपस्थित होते हैं। अब वो अपने अपने रूटीन के हिसाब से आपका कहना यहाँ पर सही है, इनका क्लास अगर 9 बजे है तो 9 बजे आते हैं, 10 बजे तो 10 बजे आते हैं, इनको आने के बाद 5 घंटा महाविद्यालय में उपस्थित।
सर एक सवाल और है, छात्र संघ का यहाँ कौन कौन सा ऐसा कार्य है सर कि जैसे इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है इस कारणवश इन लोगों को? मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई भी मांग नहीं है, इसके लिए तो बेहतर होगा छात्र संघ आप कुछ भी भेज दीजिए।